सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के, क्या क्या वहाँ पे कंपोनेंट्स थे हमारे, वो हमने पांच छह चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करी थी। सेकंड आपका है, देखिए इसमें आपके कोर्स आउटलाइन में स्टोरेज डिवाइसेज, हमने बोला था कि आपको पहले ही आपके पास नोट्स बने हुए हैं आईटी टूल्स में, आप वहाँ से रेफर कर लीजिए और आपको पता भी है ये चीज़। थर्ड वाला देख लेते हैं हम लोग, सीपीयू चिप्स एंड मदरबोर्ड्स। तो इसमें क्या है, आपका प्रोसेसर इंट्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरर हैं सीपीयू के, क्या क्या टाइप्स होते हैं, बसेस के बारे में थोड़ा सा है, ठीक है। तो पहले हम लोग प्रोसेसर के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। वैसे तो आपको पता ही है प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर क्या काम होता है। तो पहला जो आपका माइक्रो प्रोसेसर था, जो कि किसका नाम था, इंटेल 4004, वो आपका इन्वेंट हुआ था कब, 1971 में, राइट। ये आपका देखिए मेन पॉइंट्स आप यहाँ पे देखते रहिएगा। तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था आपका, वो इन्वेंट हुआ था 1971 में। इट वॉज अ 4-bit कैलकुलेशन डिवाइस विद अ स्पीड ऑफ 108 kHz। आज की डेट में देखिए आप लोग जाते हैं खरीदते हैं तो प्रोसेसर पे लिखा होता है ना 3.96 GHz प्रोसेसर स्पीड या 2.93 GHz प्रोसेसर स्पीड। तो जो पहला बना था 4-bit कैलकुलेशन का, उसकी स्पीड जो थी वो क्या थी आपकी, 108 kHz की थी, राइट। ऑपरेशन की अगर बात करें किस टाइप से होता है आपका, तो प्रोसेसर जो आपका, जिसको हम लोग सीपीयू भी बोलते हैं, इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट ऑपरेट्स एट द स्पीड ऑफ इंटरनल क्लॉक्स थैंक्स टू द क्वार्ट्ज क्रिस्टल दैट व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल करंट सेंड्स पल्सेस कॉल्ड पीक्स। मतलब आपका प्रोसेसर काम कैसे करता है, जो आपकी मदरबोर्ड की इंटरनल क्लॉक होती है उस पर जब आपकी करंट सप्लाई होती है, तो करंट सप्लाई के बाद वो चीज़ क्या होता है, आपका पल्स जनरेट करता है और वो पल्स के थ्रू आपके सिग्नल जो हैं डिफरेंट जो आपके कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वहाँ उनको जाते हैं। और एक चीज़ आइटम यहाँ पे देखिए, क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड को ही हम लोग साइकिल भी बोलते हैं। तो क्लॉक स्पीड क्या होता है कि नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकंड जो आपकी जनरेट हो रही हैं, राइट, नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकंड जो जनरेट हो रही हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉक स्पीड कहते हैं, या उसको क्या बोलते हैं, एक साइकिल बनते हैं। उसको किस में मेज़र किया जाता है, हर्ट्ज में, राइट। तो अगर 200 मेगाहर्ट्ज का कंप्यूटर है दैट हैज़ अ क्लॉक दैट सेंस, तो आपके 20 करोड़ पल्सेस पर सेकंड वो क्या कर सकता है, सेंड कर सकता है, ठीक। होती क्या है क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो होती है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो होती है वो जनरली मल्टीपल्स ऑफ सिस्टम फ्रीक्वेंसी, मतलब आपका मल्टीपल ऑफ जो मदरबोर्ड फ्रीक्वेंसी होती है, मदरबोर्ड की फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल जो होता है वो क्या होता है आपका, क्लॉक होता है, ठीक है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। ये ठीक है, इसको ड्रॉप कर दीजिएगा, इसको कोई जब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपकी। नेक्स्ट आप देख लीजिए इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, हम लोग अगर प्रोसेसर में बात करें कि हम कहते हैं ना वहाँ से इंस्ट्रक्शन, रैम से इंस्ट्रक्शन लेना, इनकोड करना, डिकोड करना, ये सारी टर्मिनोलॉजी का हम लोग यूज़ करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन इज एन एलिमेंट्री ऑपरेशन दैट द प्रोसेसर कैन एकम्प्लिस। इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी, ठीक है। आपके इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे स्टोर होते हैं, रैम में, चूंकि वही होता है आपका सेक्शन स्टोर करने के लिए। तो रैम में आपके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं, वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड बाय द प्रोसेसर, ठीक। आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, देने के बाद क्या होता है, वो रैम में जाके सेव होता है पर्टिकुलर लोकेशन पे, फिर वो अपने टाइम का वेट करता है कि कब प्रोसेसर उसको क्या करेगा, फेच करेगा और आगे के लिए फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सेंड करेगा। तो इसमें भी दो चीज़ें होती हैं इंस्ट्रक्शंस में, एक होता है आपका ऑप कोड और दूसरा होता है ऑपरेशन कोड। तो ऑपरेशन कोड एंड ऑपरेंड कोड दो बातें होती हैं। तो ऑपरेशन कोड क्या होता है, रिप्रेजेंट द एक्शन दैट द प्रोसेसर मस्ट एग्जीक्यूट। ऑपरेशन कोड का मतलब क्या हो गया कि ये काम प्रोसेसर को करना ही करना है, राइट। ऑपरेंड कोड में क्या होता है, डिफाइंस द पैरामीटर ऑफ द एक्शन, कि किस तरीके से करना है वो किस में डिफाइन किए जाते हैं, आपके ऑपरेंड कोड में डिफाइन किए जाते हैं। और जो आपका ऑपरेंड कोड होता है दैट डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन, राइट। इट कैन बी अ डेटा और अ मेमोरी एड्रेस। डेटा भी हो सकता है जिस पे आपको करना है, या मेमोरी एड्रेस भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस से जाके इस डेटा को लेके आना है, तो ऐसा भी आपका ऑपरेशन हो सकता है, ठीक। तो ये दो फील्ड्स हैं आपकी, ऑपरेशन कोड एंड ऑपरेंड कोड। द नंबर ऑफ बिट्स इज एन इंस्ट्रक्शन वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। नंबर ऑफ बिट्स इन एन इंस्ट्रक्शन, कि एक इंस्ट्रक्शन के अंदर कितनी बिट्स की नीड है वो डेटा के अकॉर्डिंग क्या होती है, बदलती रहती है। बिटवीन वन एंड फोर 8-bit bytes, वो एक भी हो सकती है, 8-bit की एक भी हो सकती है, 8-bit की दो भी हो सकती है, 8-bit की तीन भी हो सकती है, 8-bit की चार भी हो सकती है, ठीक। इंस्ट्रक्शंस कैन बी ग्रुप्ड बाय कैटेगरीज। इंस्ट्रक्शंस को हम लोग कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग, जैसे मेमोरी के लिए अलग है, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस के लिए अलग है, लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए अलग है, कंट्रोलिंग है जहाँ पर सिग्नल भेजना है, ठीक है, उनके लिए अलग है। तो मेमोरी एक्सेस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस एंड कंट्रोल, ठीक, इन सब के अकॉर्डिंग हम लोग इंस्ट्रक्शंस को अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं या ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। किसके करस्पॉन्डिंग कौन कौन सा है ये आपके लिखे हुए हैं, देखिए नोट्स में आपके, देख लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करने आते हैं रजिस्टर्स की। प्रोसेसर में हम लोगों ने बात करा था कि सीपीयू के तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं आपके, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स एंड एएलयू, राइट।
रजिस्टर्स की बात करें हम लोग तो व्हेन द प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस, डेटा कहाँ पे आपका टेम्परेरी स्टोर होता है हमने बात करी थी, रजिस्टर्स में स्टोर होता है, ठीक, लोकल मेमोरी जो होती है रजिस्टर्स की उसमें कितनी बिट्स हो सकती हैं आपके, 8 बिट हो सकता है, 16 हो सकता है, 32 हो सकता है या 64 बिट रजिस्टर्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द प्रोसेसर आपके क्या हो सकते हैं, जो आपके रजिस्टर्स हैं वो क्या वेरी कर सकते हैं, ठीक। मेन रजिस्टर्स कौन कौन से होते हैं आपका, ACC, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ऑर्डिनल काउंटर एंड बफर रजिस्टर। इन मेन कैटेगरीज में जो रजिस्टर्स को उनके वर्क के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, राइट। ये भी आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर क्या क्या से, और प्लीज़ आप इसके आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा साथ ही साथ, जो आपको PDF प्रोवाइड की गई है उसमें भी इसी ऑर्डर में दिया गया हुआ है, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे वर्ड फाइल्स में आपको बता रहा हूँ इस टाइप से, ठीक है। यही चीज़ आपके देखिए यहाँ पे भी लिखी हुई है सेम, ये देखिए आपका उसमें आप PDF में देखेंगे तो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट ऑपरेशंस के बाद आपके ये सारे देखिए ऑपरेंड कोड ऑपरोड रजिस्टर्स पे आ गए हम लोग, रजिस्टर्स के टाइप पे आ गए, तो ये नोट्स ऑलरेडी आपके वहाँ पे बने हुए हैं, इससे देख के समझ के आप लोग अपना बनाते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, फंक्शनल यूनिट। कैश मेमोरी हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, कैश मेमोरी का काम भी देख चुके हैं, टाइप भी देख चुके हैं, Level 1, Level 2, Level 3, राइट, इंटरनल कैश, एक्सटर्नल कैश। कंट्रोल सिग्नल्स एक चीज़ आप देख लीजिए क्या, कंट्रोल सिग्नल्स आर द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स दैट ऑर्केस्ट्रेट द वेरियस प्रोसेसर यूनिट्स पासेस डिपेंडिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो वेरियस आपकी प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए क्या होते हैं, कंट्रोल सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स भेजे जाते हैं, जिनको कि हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स बोलते हैं, राइट। फंक्शनल यूनिट्स की बात करते हैं हम लोग प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड यूनिट्स कॉल्ड कंट्रोल यूनिट्स। माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर वेरीज कंसिडरेबली फ्रॉम वन डिजाइन टू अनदर। माइक्रो प्रोसेसर आपके प्रोसेसर कई टाइप के आते हैं, P4 था, P5 था, I3 है, I5 है, आज की डेट में आप लोग देख रहे हैं I7 है, ठीक है, डुअल कोर था, कोर टू डुओ था, ठीक। तो ये अलग अलग टाइप के बहुत सारे प्रोसेसर हैं, बट जो मेन एलिमेंट्स होते हैं किसी भी प्रोसेसर के, XYZ कोई भी आप प्रोसेसर उठा लीजिए, तो मेन एलिमेंट्स क्या क्या हैं आपका, एक तो कंट्रोल यूनिट, ये दैट लिंक्स द इनकमिंग डेटा, डिकोड्स इट एंड सेंड इट टू द एग्जीक्यूशन यूनिट, ये काम होता है। दूसरा क्या है आपका, सीक्वेंसर। सीक्वेंसर को हम लोग मॉनिटर भी बोलते हैं, लॉजिक यूनिट भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, सिंक्रोनाइजेस द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन विद अ क्लॉक स्पीड, जो आपकी क्लॉक स्पीड है उसके हिसाब से आपके इंस्ट्रक्शन को क्या करना, एग्जीक्यूट कराना, ठीक। इट ऑल्सो सेंड्स द कंट्रोल सिग्नल, ये सिक्वेंसर का काम होता है। नेक्स्ट कौन सा होता है आपका, ऑर्डिनल काउंटर होता है, दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड, जो आपका करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा आपका मेमोरी के अंदर उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे होती है, ऑर्डिनल काउंटर में होती है। नेक्स्ट है आपका देखिए IR, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये सारे के सारे प्रोसेसर में होता है। एग्जीक्यूशन यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं, सब में होता है। ALU की बात करें, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, सारे में होती है, जितने भी आपके प्रोसेसर हैं। FPU भी एक चीज़ होती है, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, ये क्या करता है, पार्शियल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विच कैनॉट बी डन बाय द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। कुछ ऐसी कैलकुलेशंस होती हैं जिनको कि ALU नहीं परफॉर्म कर सकता है, तो उसके लिए वहाँ पे एक और यूनिट लगी हुई थी साथ में, FPU, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। ये चीज़ आपने तब नहीं पढ़ी होगी पहले, हम लोग जब बात करी थी IT टूल्स में, तो ALU की तरह भी एक और यूनिट होती है FPU। आप देखिएगा C में कभी आप प्रोग्राम करेंगे तो कभी कभी ऐसी एरर आती है, फ्लोटिंग पॉइंट एरर आती है, आप सही डिवीजन सही करते हैं, सब कुछ सही करते हैं, बट उसको वो कन्वर्ट नहीं कर पाता है कंपाइलर आपका, तो वहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट एरर आती है, तो वो एक्चुअल में जो एरर होती है वो आपकी प्रोसेसर के थ्रू होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ वो हो नहीं पाता है। तो FPU इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि जिन कैलकुलेशंस को आपका ALU नहीं कर सकता है उनको कौन करता है, आपका FPU करता है। देन स्टेटस रजिस्टर एंड एक्यूमुलेटर रजिस्टर एंड अ बस मैनेजमेंट यूनिट। बसेस के थ्रू ही आपका सारा डेटा जो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से जगह आदान प्रदान होता है उसका, सारी जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनमें बसेस के थ्रू ही सिग्नल जाते हैं और आते हैं। तो ये कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि किसी भी प्रोसेसर में आपको मिलेंगे, राइट। डायग्राम वाइज देखिए तो देखिए कुछ ऐसा ही होता है, प्रोसेसर चिप्स आप खोल के देखिएगा, मदरबोर्ड पे जो प्रोसेसर लगा हुआ होता है सॉकेट के अंदर, तो उसमें कुछ इंटरनली आप देख तो नहीं पाएंगे, बट होता है ऐसा कुछ है। ALU है, FPU है, देखिए L1 कैश है, यहाँ पे ये देखिए रजिस्टर्स हैं, कंट्रोल यूनिट है, आपकी L2 कैश इससे अटैच होती है, नीचे आपका क्या है देखिए इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट है, इस टाइप से होता है। L1 कैश इंटरनली इसके साथ लगी हुई होती है, राइट। तो इस टाइप का कुछ आपका प्रोसेसर होता है। ट्रांसिस्टर्स ठीक है छोड़ दीजिए, कोई बहुत ज़रूरी नहीं, ट्रांसिस्टर कैपेसिटर आप लोगों ने जिसने साइंस पढ़ा है फिजिक्स वगैरह में पढ़ा भी होगा आपका। IC हम लोग बोलते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक। इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं आपके,
किस तरीके से काम करते हैं, मोस्ट ट्रांसिस्टर्स आर देयर फॉर मेड ऑफ सिलिकन स्लाइस ऑफ सिलिकन। तो मतलब जो आप होते क्या हैं आईसीज पे क्या होते हैं आपके छोटे छोटे ट्रांसिस्टर लगे हुए होते हैं जिनके थ्रू आपका डेटा जो है क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है ट्रेवल करता है, राइट। आईसी एक और है, एक टर्म है हो सकता है आप लोग देख लीजिएगा, मूर्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला था कि जो आपके प्रोसेसर हैं उन्होंने ये प्रोडिक्ट किया था कि हर 12 महीने में आपके प्रोसेसर जो है उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी। और ये चीज़ उन्होंने किया भी, प्रूव भी किया था कि जो आपके प्रोसेसर डिज़ाइन किए गए हैं जो सिलिकॉन से बने हुए हैं आपका जिन पे आईसी लगी हुई है ट्रांसिस्टर आपके लगे हुए हैं, तो एक प्रोसेसर क्या होते हैं मिलियन ऑफ ट्रांसिस्टर्स लगे हुए होते हैं। अभी देखिए आज की डेट में क्या टेक्नोलॉजी क्या चल रही है आपकी कैसे होता जा रहा है, आपका जो साइज़ है प्रोसेसर साइज़ क्या होता जा रहा है या सीपीयू का साइज़ क्या होता जा रहा है छोटा होता जा रहा है और स्पीड क्या हो रही है उसकी बढ़ती जा रही है। स्पीड बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ ट्रांसिस्टर्स जो हैं वो क्या हो जा रहे हैं आपके प्रोसेसर पे बढ़ाए जा रहे हैं और उसकी साइज़ क्या कर दी जा रही है छोटी कर दी जा रही है। तो जितने ही आपके नंबर ऑफ ट्रांसिस्टर्स उस पर बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है क्या स्विचिंग तेज़ हो जाएगी, स्विचिंग तेज़ हो जाएगी तो जो आपका डेटा एग्जीक्यूशन रेट है वो क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा, राइट। तो मूर्स ने क्या क्या प्रेडिक्ट किया था क्या बनाया था कि जो आपका परफॉर्मेंस है एक प्रोसेसर की वो हर 12 महीने में क्या हो जाती है डबल हो जाती है। ये 1965 की बात है, इसको रिवाइज किया गया फिर से 1975 में कि नहीं 12 महीने में नहीं, इस चीज़ को क्या डिफाइन किया गया कि 18 मंथ्स में ये होता है, राइट। दिस लॉ वॉज रिवाइज इन 1975 बिगिनिंग द नंबर ऑफ मंथ्स टू 18 कि 18 मंथ में हर एक प्रोसेसर की जो होती क्या हो जाती है डबल हो जाती है, ठीक। प्रोसेसर फैमिलीज की बात करें तो सबसे स्टार्टिंग में कौन सी थी आपकी 8086 फैमिली, 8086 में एक्स जो आपका रिप्रेजेंट करता है वो फैमिली रिप्रेजेंट करता है 386 486 5866 इस तरीके से, राइट। ARM है एक फैमिली इसी टाइप से, IA64 है, MIPS है, मोटरोला के थे, पाओ PC के थे, स्पार्क का था, राइट। स्पार्क हमने बताया था आपको मॉडल, स्पार्क मॉडल के बारे में जब IT टूल्स में हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे डेटाबेस में। तो ये कई सारी फैमिलीज हैं आपके प्रोसेसर की, ठीक है। अच्छा प्रोसेसर के अब आर्किटेक्चर की बात करें हम लोग, दो टाइप का आर्किटेक्चर इसमें चलता है आपका प्रोसेसर जो डिज़ाइन किए गए हैं, एक है आपका सिस्क आर्किटेक्चर और दूसरा है आपका RISC आर्किटेक्चर। सिस्क में क्या होता है, सिस्क है आपका कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, नाम ही देखिए आपका कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसका मतलब क्या है, जो आपकी हार्ड वायरिंग है उसके ऑफ द प्रोसेसर विद द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन दैट आर डिफिकल्ट टू क्रिएट यूजिंग द बेसिक इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल होता है वो क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है। ये किस यहाँ पे था ये आर्किटेक्चर जो पहले के प्रोसेसर थे आपके 8086 इस फैमिली के जो आर्किटेक्चर थे आपके वो किस टाइप के थे आपके सिस्क आर्किटेक्चर थे। इसमें होता क्या है देखिए, इंस्ट्रक्शंस आर ऑफ वेरिएबल लेंथ एंड मे समटाइम्स रिक्वायर मोर देन वन क्लॉक साइकिल, मतलब एक क्लॉक साइकिल में आपके साथ जो इंस्ट्रक्शन आया है वो जरूरी नहीं कि वो हो ही जाए, एक से ज़्यादा क्लॉक साइकिल भी लग सकती है बिकॉज सिस्क बेस्ड प्रोसेसर कैन ओनली प्रोसेस वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम, द प्रोसेसिंग टाइम इज अ फंक्शन ऑफ द साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन। जितना ही बड़ा आपका इंस्ट्रक्शन होगा आपकी प्रोसेसिंग में उतना ही ज़्यादा आपका टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि एक टाइम पे एक ही इंस्ट्रक्शन आपका वन क्लॉक साइकिल में यहाँ पे क्या हो सकता है एग्जीक्यूट हो सकता है सिस्क आर्किटेक्चर में कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, राइट। दूसरा क्या है आपका RISC आर्किटेक्चर। RISC में क्या है देखिए, नाम रिड्यूस्ड, यहाँ पे देखिए रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, डू नॉट हैव हार्ड वायर्ड एडवांस फंक्शन, मतलब हार्ड वायरिंग इसमें नहीं होती बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स। तो प्रोग्राम मस्ट देयर फॉर बी ट्रांसलेटेड इनटू सिंपल इंस्ट्रक्शंस विच कॉम्प्लिकेट द डेवलपमेंट एंड रिक्वायर्स अ मोर पावरफुल प्रोसेसर। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, उनको ट्रांसलेट कर देते हैं जो आपके क्या बोलते हैं जो थोड़ा हार्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं या लार्ज इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको सिंपल इंस्ट्रक्शंस में ब्रेक कर दिया जाता है देन उनको एग्जीक्यूट कराया जाता है। तो अगर ब्रेक कराना है तो आपको पावरफुल प्रोसेसर की नीड होती है। सच आर्किटेक्चर हैज़ अ रिड्यूस्ड प्रोडक्शन कॉस्ट कंपेयर टू सिस्क प्रोसेसर्स, इन एडिशन इंस्ट्रक्शंस सिंपल इन नेचर आर एग्जीक्यूटेड इन जस्ट वन क्लॉक साइकिल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सिंपल इन द नेचर, चूंकि उनको हम लोग ब्रेक कर देते हैं सिंपल इंस्ट्रक्शंस में रिड्यूस इसमें सिस्क आर्किटेक्चर में, तो वो सिर्फ एक ही क्लॉक साइकिल में क्या हो जाते हैं आपके एग्जीक्यूट हो जाते हैं। फाइनली दीज प्रोसेसर कैन हैंडल द मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस साइमल्टेनियसली बाय प्रोसेसिंग देम इन अ पैरेलल, ठीक। पैरेलली फिर वो उनको क्या करता है एग्जीक्यूट करा देता है, मतलब आपके पास एक लार्ज प्रॉब्लम है, लार्ज प्रॉब्लम के आपने छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद उनको पैरेलली आपने वन वन साइकिल में क्या किया एग्जीक्यूट करा दिया, ठीक। तो ये होता है आपके किसमें सिस्क आर्किटेक्चर में, सिस्क के बाद RISC आर्किटेक्चर में। और भी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हुए प्रोसेसर में इसके बाद, तो नई नई टेक्नोलॉजी है लाइक आपकी पैरेलल प्रोसेसिंग है ये भी देख लीजिएगा एक बार, पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट आया, पाइपलाइनिंग हुआ,
सुपर स्केलिंग हुआ, हाइपर थ्रेडिंग हुआ, ये भी कुछ आपके टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स थे जो कि आपकी प्रोसेसर फैमिलीज में आगे होते गए। ठीक, तो ये तो इंट्रोडक्शन था आपका, ठीक, थोड़ा डिटेल्ड इंट्रोडक्शन था प्रोसेसर के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मदरबोर्ड्स के लिए कि मदरबोर्ड्स में क्या क्या है, टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड्स कौन कौन से हैं, क्या है, राइट। तो ये हम लोग देख लेते हैं, वेट करते हैं एक मिनट। जी आपका ठीक है, बेसिकली दो टाइप के आपके मदरबोर्ड होते हैं। मदरबोर्ड आप लोग समझ ही रहे हैं जो आपका, जहाँ पे सारे कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक, एक होता है आपका नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड, एक होता है आपका इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। तो आज के डेट में जितने भी आपके पास अवेलेबल हैं वो देखिएगा वो किस टाइप के होते हैं, आपके इंटीग्रेटेड होते हैं। नॉन इंटीग्रेटेड में क्या होता था, देखिए जितने भी कनेक्शन होते हैं, जैसे आपको ये माउस कनेक्ट करना है, ग्राफिक कार्ड कनेक्ट करना है, तो इनके लिए सब क्या होता था, अलग से पोर्ट्स होते थे, पोर्ट्स के एक्सपेंशन स्लॉट्स होते थे, एक तरीके से दिया जाता है, उनमें जाके आप क्या कर दीजिए, अटैच कर दीजिए वहाँ पे। ठीक, तो असेंबली सच एज IO पोर्ट कनेक्टर, हार्ड ड्राइव कनेक्टर, CD ड्राइव कनेक्टर इंस्टॉल एज एन एक्सपेंशन बोर्ड। एक्सपेंशन बोर्ड का मतलब कि अलग से आपको लगाना होता था, इनबिल्ट नहीं है कि वहाँ पे उसका पोर्ट दिया हुआ है, जाकर आप जाके मदरबोर्ड से सीधे जोड़ दीजिए, ऐसा नहीं। पहले आपको मदरबोर्ड पे एक पोर्ट लगाना पड़ता था एक्सपेंशन स्लॉट, उसके बाद आप DVD या फ्लॉपी ड्राइव या कुछ भी XYZ जो भी कनेक्शन है आपको वो कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। आर चीप एंड ईजी टू प्रोड्यूस, सस्ते होते थे और उनको प्रोड्यूस करना क्या होता था, आसान होता था। तो जितने भी ओल्ड वाले मदरबोर्ड हैं वो क्या थे, सारे नॉन इंटीग्रेटेड थे। इंटीग्रेटेड में क्या होता है, असेंबलीज आर इंटीग्रेटेड आर बिल्ट राइट ऑन टू द बोर्ड, मतलब सारी चीज़ें जितने भी कनेक्शन के लिए आपको नीड है, इन सारी चीज़ें एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, उन सब के लिए जो सॉकेट्स हैं वो ऑलरेडी आपके बोर्ड पे क्या हैं, अवेलेबल हैं। सीरियल पोर्ट हो गया, पैरेलल पोर्ट हो गया, IDE हो गया, CD ड्राइव हो गया, इनको आप डायरेक्टली मदरबोर्ड से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं, करते हैं। ठीक, तो ये इंटीग्रेटेड वाला केस होता है। मदरबोर्ड में एक चीज़ बात आती है फॉर्म फैक्टर की, फॉर्म फैक्टर ऑफ द मदरबोर्ड क्या, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा होता है, मदरबोर्ड के लेआउट, साइज एंड फीचर प्लेसमेंट, कि कौन सा फीचर कहाँ पे प्लेस किया गया है। ठीक है, तो जब फॉर्म फैक्टर की बात करते हैं हम लोग किसी मदरबोर्ड के, तो फॉर्म फैक्टर तीन चीज़ें डिफाइन करता है, एक तो उसका लेआउट, मदरबोर्ड का साइज और उसके फीचर प्लेसमेंट्स, कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पे प्लेस की गई हैं, राइट। फॉर्म फैक्टर्स सच एज फिजिकल साइज, शेप, कंपोनेंट प्लेसमेंट, पावर सप्लाई कनेक्टर्स, ये सारी चीज़ें जो अभी हमने बताई। तो कई जो वेरियस फॉर्म फैक्टर्स हैं मदरबोर्ड्स के वो क्या हैं, AT, बेबी AT, ATX, मिनी ATX, माइक्रो ATX, फ्लेक्स ATS, LPS, मिनी LPS एंड NLX। इन्हीं को हम लोग टाइप भी बोल देते हैं कि बेस्ड ऑन उसका शेप एंड साइज कि इस टाइप के होते हैं। तो बेसिकली ब्रॉड कैटेगरी में दो टाइप के हैं आपके, नॉन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड, बट बेस्ड ऑन लेआउट, साइज एंड फीचर प्लेसमेंट, उसके बेस पे जो हमारे मेन आपके मदरबोर्ड्स हैं, टाइप्स हैं, वो क्या हैं, बेसिकली टोटल चार हैं आपके। एक है आपका XT, AT, बेबी AT एंड ATX, राइट। XT मदरबोर्ड कौन सा है, XT का मतलब हुआ एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। XT एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी में क्या होता है, दीज आर ओल्ड मॉडल मदरबोर्ड्स, इन दीज मदरबोर्ड्स वी फाइंड ओल्ड मॉडल प्रोसेसर सॉकेट, लो इंसर्शन फोर्स LIF सॉकेट्स, रैम स्लॉट्स, DIMM दो टाइप की होती हैं, SIMM एंड DIMM, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, यहाँ पे देखिएगा DIMM डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, और एक दूसरा टाइप होता है रैम का प्लेसमेंट का SIMM सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, एंड ISA क्या आपका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर स्लॉट्स, 12 पिन पावर कनेक्टर एंड नो पोर्ट्स, 12 पिन का पावर कनेक्टर होता था और कोई भी पोर्ट्स अवेलेबल नहीं थे, यहाँ पे आपको क्या एक्सपेंशन स्लॉट्स लगाने पड़ते थे। इनके अगर एग्जांपल की बात करें तो पेंटियम 1 है, पेंटियम MMX है, पेंटियम 2 प्रोसेसर्स हैं, मतलब इनिशियल जनरेशन वाले, स्टार्टिंग वाले, ये क्या थे आपके XT मदरबोर्ड्स। नेक्स्ट कौन सा है इस टाइप का, देखिएगा कुछ मदरबोर्ड्स होता है ये आपका XT वाला एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट है आपका AD, AD का मतलब क्या हो गया, AT एडवांस टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है आपका पिन ग्रिड एरे, SD रैम स्लॉट्स होते हैं, 20 पिन पावर कनेक्टर होता है, PCI स्लॉट्स होते हैं, ISI स्लॉट्स होते हैं। तो ये किस फैमिली की बात कर रहे हैं हम लोग, पेंटियम 3 प्रोसेसर, पेंटियम 2 के बाद जो पेंटियम 3 आया उसमें इस टाइप के एडवांस टेक्नोलॉजी वाले मदरबोर्ड्स आपके आ गए। AT के बाद कौन सा है आपका, बेबी AT मदरबोर्ड्स। बेबी AT क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ XT एंड AT, मतलब XT जो आपका ओल्ड वाला था, AT जो आपका एडवांस टेक्नोलॉजी वाला था, उन दोनों का कॉम्बिनेशन कौन सा बनता है आपका, बेबी AT मदरबोर्ड्स। इसमें क्या होता है आपके, इसमें भी 20 पिन पावर कनेक्टर्स होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, 12 पिन का पावर कनेक्टर होता है। तो यहाँ पे भी पेंटियम 3 एंड उसके बाद की जो जनरेशन आई पेंटियम 4, तो 3 एंड 4 का कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं किसका, बेबी AT का, राइट।
नेक्स्ट है आपका ATX। ATX का मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, ये लेटेस्ट वाला। लेटेस्ट मदरबोर्ड्स आर कॉल्ड एज अ ATX मदरबोर्ड्स। ठीक, इन दिस मदरबोर्ड MPVGA प्रोसेसर सॉकेट्स होते हैं, DDR रैम स्लॉट्स होते हैं। हम लोग आज बात करते हैं ना DDR2 रैम, DDR3, DDR4, तो DDR रैम स्लॉट्स होते हैं, PCI स्लॉट्स हैं, AGP मतलब एसिलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, ये सारे होते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ID इंटरफेस होती हैं, SATA कनेक्टर्स हैं, PATA कनेक्टर्स हैं, 20 पिन एंड 24 पिन ATR पावर कनेक्टर्स एंड पोर्ट्स। तो ये जो आपके लेटेस्ट आज वाले हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ATX मदरबोर्ड। कौन कौन से, कोर टू डुओ है, डुअल कोर है, क्वाड कोर है, i3, i5, i7, मतलब जो आपके लेटेस्ट सारे प्रोसेसर्स हैं ये कौन से हैं आपके ATX मदरबोर्ड वाले, राइट। तो ये था हमारा किसके बारे में, मदरबोर्ड के बारे में। ठीक है, ये इस टाइप के कुछ आज की डेट में आप लोग जो देखेंगे तो अलग अलग कंपनीज के जो कुछ भी हैं इस टाइप के आपको मदरबोर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग करिए, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग बायोस एंड बसेस के बारे में डिस्कस करेंगे क्या क्या है। ओके।